Hey guys, what's up? So, जब आपको किसी जगह अपना बेस्ट लुक देना होता है तो आप अपने सबसे फेवरेट क्लोथ्स डालते हो, बट बहुत बार ऐसा हुआ है कि वो डालने के बाद भी आपको लगता है कुछ तो मिसिंग है, जिसकी वजह से मैं इतना अट्रैक्टिव नहीं दिख रहा हूँ। तो गाइज, वो है एक्सेसरीज, मेंस और आज एक्सेसरीज। की वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और आज की लिस्ट का फर्स्ट आइटम है रिस्ट वॉच। कुछ भी हो, आपके पास एक रिस्ट वॉच तो एटलीस्ट होनी ही चाहिए। ये आपकी पर्सनैलिटी को एक अलग लुक ही नहीं बल्कि एक कॉन्फिडेंस भी देती है, और सामने वाले बंदे पे एक इम्प्रेशन भी कि हाँ भाई, बंदा कुछ भी हो, टाइम का तो पंचुअल है। और रिस्ट वॉच ऐसे ही नहीं, कोई भी ले लो, आपकी रिस्ट वॉच जितनी सिंपल और क्लासी होगी, आप उतने ही सेक्सी और अट्रैक्टिव लगोगे। और रिस्ट वॉच पहनने से आपका फोर आर्म्स भी बहुत मोटा दिखता है, और चेस्ट के बाद फोर आर्म्स ही एक ऐसा बॉडी पार्ट है जो आपको बहुत सेक्सी दिखाता है। सो गाइज, मैं तो सजेस्ट कर रहा हूँ कि आपके पास एक एटलीस्ट रिस्ट वॉच तो होनी ही चाहिए। अब रिस्ट वॉच कैसी होनी चाहिए, सिंपल और क्लासी से क्या मतलब है मेरा, कि ना वो ज़्यादा मोटी हो ना ज़्यादा पतली हो, एक सिंपल नॉमिनल डायल की हो, और चैन वाली ना भी हो तो चलेगा, बट एटलीस्ट एक पट्टे वाली नॉर्मल वॉच तो होनी चाहिए। आप इसको ऑफिस में भी पहन सकते हो, डेट्स पे भी पहन सकते हो, और भाई कभी भूल के भी बड़े डायल वाली नहीं लेनी है, बहुत बेकार। सन ग्लासेस, वैसे तो मार्केट में बहुत तरह के सन ग्लासेस हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सभी आपके ऊपर सूट करेंगे। और मेनली मार्केट में सन ग्लासेस दो तरह के आते हैं, एक नॉर्मल ब्लैक मोटे प्लास्टिक वाले, या दूसरे मरकरी टाइप। बट जो आपके ऊपर बिल्कुल परफेक्ट बैठेंगे वो हैं नॉर्मल नॉर्मल ब्लैक प्लास्टिक वाले और सिल्वर मरकरी। ये नहीं कि आप कोई भी कलर ले लो, रेड, ब्राउन, येलो, चूज आइदर ब्लैक और सिल्वर मरकरी और कोई भी नहीं। ब्रेसलेट, ब्रेसलेट के साथ सेम ऑलमोस्ट वॉच वाला फंडा है, ये आपको एक सेक्सी लुक देता है। और सनग्लासेस की तरह मार्केट में भी बहुत तरह के ब्रेसलेट्स आते हैं, प्लास्टिक ब्रेसलेट, मेटल ब्रेसलेट, रबर ब्रेसलेट, लेदर ब्रेसलेट, बट जो आपके ऊपर परफेक्ट बैठा है वो है मेटल ब्रेसलेट और ब्राउन और ब्लैक लेदर ब्रेसलेट, उसके अलावा कोई भी नहीं। और भाई ब्रेसलेट डालते टाइम सिर्फ एक ही ब्रेसलेट डालना है, ये नहीं कि चार पांच डाल लिया पूरा हाथ भर लिया, बिल्कुल भी नहीं, वो बहुत बेकार लगता है बहुत ज्यादा। और एक्सेसरीज का रूल है, एक बार में सिर्फ तीन एक्सेसरीज डालनी है, उससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं, वो बहुत भद्दा लगता है। ब्लैक रिंग, वन ऑफ माई फेवरेट एक्सेसरीज, क्योंकि ये सभी आउटफिट्स के साथ बिल्कुल करेक्ट बैठती है। और आप ब्लैक रिंग मेटल की भी ले सकते हो और स्टोन की भी, बट हाँ ब्लैक रिंग के साथ एक फंडा है कि आप उसे ब्रेसलेट के साथ कभी मत डालना। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि ब्लैक रिंग और एक ब्रेसलेट दोनों एक साथ हम जैसे बंदों पे बिल्कुल सूट नहीं करती है। और रिंग डालते टाइम सिर्फ याद रखे कि वो इन दोनों फिंगर्स के अलावा किसी और फिंगर में ना डालें। इस लिस्ट का लास्ट आइटम है लेदर बैग। अब इसके बारे में क्या ही कहूँ, आपको मैच्योर बैग वाला बंदा तो याद ही होगा। उस बंदे का कितना भी ट्रोल हुआ हो, लेकिन उस बंदे ने कुछ बातें तो बिल्कुल करेक्ट कही थी, जैसे कि लेदर बैग एक आपकी पर्सनैलिटी को एक अलग लेवल देता है, एक काफ़ी सूट करता है, आपको काफ़ी प्रोफेशनल भी दिखाता है। और मैं सजेस्ट करूँगा, आप अगर लेदर बैग ले रहे हो तो बिल्कुल प्लेन सिंपल लें। और अगर कलर की बात करें तो आप ब्लैक, ब्राउन या डार्क ब्राउन लें, और प्लेन लें भाई, बिल्कुल प्लेन। ऐसा नहीं कि उस पर बहुत सारे स्टिकर्स लगे हों, ये वो बिल्कुल भी नहीं, वो बहुत बेकार लगता है, बहुत चाइल्डिश लगता है। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो एक बिग थम्स अप देना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जरूर दबाएं, और अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल शेयर करें। वी नीड योर सपोर्ट गाइज, थैंक यू सो मच।